पहाड़ पर दहशत की दरार, उत्तरकाशी के बाद जोशीमठ में भू धसाव, घरों में पड़ी दरारें, रास्ते और खेत भी धसे। उत्तराखंड का जोशीमठ में जनता दहशत में जीने को मजबूर है। 500 से ज्यादा घरों में दरारें पड़ चुकी हैं, कई लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन कई परिवार अभी भी इंतजार में बैठे हैं। इसे कुदरत की मार कहें, साइड इफेक्ट या अतिक्रमण के बाद प्रकृति का बदला, रास्तों से लेकर घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। जोशीमठ के साथ साथ उत्तरकाशी के कई घरों में भी दरारें आ चुकी हैं। उत्तरकाशी जिले के मस्ताडडी गांव में 31 साल से भूधसाव देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीण लंबे समय से विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विस्थापन नहीं हो पाया है। प्रशासन का कहना है कि विस्थापन के लिए भूमि चयनित कर ली गई है और सर्वे के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। मस्ताड़ी गांव जिला मुख्यालय से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इस गांव में साल 1991 में आए भूकंप के बाद भूधसाव शुरू हो गया था, जिसके बाद साल 1997 में प्रशासन ने गांव का भूगर्भीय सर्वे भी कराया था। पहाड़ पर आए संकट की चर्चा पूरे देश में है। जोशीमठ के घरों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें अब मन में खौफ पैदा करने लगी हैं। जोशीमठ में भूधसाव की घटना के बाद कर्णप्रयाग में बहुगुणा नग, सीएमपी बैंड और सब्जी मंडी के ऊपरी भाग में रहने वाले 50 से अधिक परिवार भी दहशत में हैं। यहां मकानों की दीवारों और चौक के आंगन में दरारें और लटकी मकानों की छत आपदा का दर्द बयां कर रहे हैं। इस भाग में बरसात के दौरान तेजी से भूधसाव हुआ था, लेकिन अभी तक ट्रीटमेंट ना होने से लोग खतरे के साए में रात बिता रहे हैं। उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव धीरे धीरे धसता जा रहा है। धसाव के चलते रास्ते ध्वस्त हो रहे हैं, बिजली के पोल तिरछे हो चुके हैं और पेड़ भी धस रहे हैं, जैसा कि जोशीमठ में भी देखने को मिल रहा है। साल 1997 में जो भू सर्वेक्षण उत्तरकाशी में कराया गया था, उसमें ये कहा गया था कि चेक डैम सुरक्षा दीवार का निर्माण और पौधारोपण कराया जाए, मकानों के चारों ओर पक्की नालियों का निर्माण, पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए ताकि इस चुनौती से निपटा जा सके, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उधर कर्णप्रयाग में भी खतरे की घंटी बजी है। खबरों के मुताबिक यहां 50 से ज्यादा परिवार दहशत में जीने को मजबूर हैं, क्योंकि उनके घरों में भी दरारें आ चुकी हैं।